हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झांसी स्टडी में। देखिए, जैसा कि आप सभी को हमने आपसे बता दिया था कि आपकी जो लाइव क्लास है उनमें होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको क्या है, डेली एक वीडियो मिला करेगा, एक नहीं दो तीन वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, ये आपका उसी का पहला वीडियो है और इसमें हम लोग क्या है वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके NTPC और ग्रुप डी में आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपर कराए गए हैं, ठीक है ना, उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले वाले जो वीडियो में हम लोग GK और GS, ठीक है, ये क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम मैथ के क्वेश्चन कवर करेंगे और हो सकता है रीजनिंग के भी कवर कर लें, लेकिन मैथ के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग का हर कोई कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ मैथ के बचते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, रीजनिंग मैथ दोनों ले लेंगे, तो रीजनिंग आप हम वीडियो रोक करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, उसका आंसर भी हम दिखा दिया करेंगे और मैथ का सॉल्यूशन हम बता देंगे, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन आपके वहाँ पूछे जाते हैं जिस टाइप के। और गारंटी के साथ अगर आप ये वीडियो डेली देखोगे तो आपकी जो क्वेश्चन आप बनेंगे ना, मैथ के हुए, आपके GS और इसके हुए, रीजनिंग के 100% यही होंगे, क्योंकि GK तो चेंज होती रहती है, बट आपको GK के भी ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा से देखना है लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, और बताना है वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे और आपके कितने सही कढ़े निकले हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना है और बता दें, जो भी चैनल पर नया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है ना। और अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत आवेश का SI मात्रक। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, तो फटाफट से बताएं आप लोगों को, आपको सोचना है पहले से अपने मन में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कवि यानी कूलाम, ठीक है ना, तो जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए बात कर लेते हैं, वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत किसका होता है, विद्युत आपका विभवांतर का होता है, सॉरी, ठीक है, और ये कूलाम होगा। केल्विन आपका ताप का होता है, किलोग्राम आपका द्रव्यमान का होता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये मैथ के हैं, हम लोग छोड़ते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ओनली इसमें हम लोग क्या है, रीजनिंग करने वाले हैं, और बाद में जो आपके मैथ और रीजनिंग के हैं क्वेश्चन वो हम लोग दूसरे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट GK के क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग बात नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो आए वो भी आपको देखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्या लिखा हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो क्या आंसर हो जाएगा बताएं, 2018 के पूछे गए शीतकालीन, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, योंगचोंग, ठीक है ना, ये योंगचोंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में आपको कैसे चूज़ करना होता है, अगर जिसमें बी लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे पहला सही किया उन लोगों ने, है ना, तो पहला क्यों सही किया, क्योंकि पहले का बी है, ठीक है, ठीक है ना, पहले ऑप्शन में क्या दिया, बी है, तो बी ही जो आपको मतलब पहला ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना होता है, ये नहीं कि आप बी कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे दूसरा है तो दूसरा नहीं करना, क्योंकि दूसरे में डी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बताएं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताएं जल्दी से बताएं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, चलिए इसका इसमें पूछा गया है, देखिए 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता, तो अच्छा क्वेश्चन है बताएं, तो ये आपको देखिए 2015 का तो नहीं पूछा जाएगा, बट आपको याद रखना है कि स्टैन वावरिंका ने जीता था,
ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, तो क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, माउंटबेटन है ना, माउंटबेटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। ये आपका जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये सारे आपके मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रूर देखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर जो चिप होती है का दूसरा नाम क्या होता है, बताएं जल्दी से। कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर, तो क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रोचिप। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा, माइक्रोचिप। और देखिए एक इसमें आपका दूसरे वाले में, तो आपको दूसरा वाला टिक करना होता है, ध्यान रखिएगा अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिखे वहाँ पे, ठीक है, एग्जाम हॉल में, तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व जो है वो कौन है, कौन सा है इसमें, बताएं जल्दी से। पहला तो सबको पता होगा, लेकिन जो अब देखिए एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, आपको पता है, और दूसरे नंबर पर आपका क्या पाया जाता है, हीलियम। हीलियम क्या है, जो एक अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए एक चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से, पूछा गया इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, बताएं जल्दी से, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका भी आंसर बी आ रहा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे पूछा गया अंगणित एवं तार्किक लॉजिकल सक्रियाएं करने वाले संसाधन यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, तो बताएं क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे ALU बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे आपके देखिए जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे हमको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले वाली वीडियो में, तो ज़रूर देखना इसके बाद जो वीडियो आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, तो बताएं क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, क्या, सी ऑप्शन, गन्ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है गन्ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बताएं कहाँ पे हुई थी भाई, सभी को पता होगा बिल्कुल। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोधगया। ठीक है, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। चलिए अगला आंसर होता है ना, ये तो हो चुका था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है खो खो खेल में कितने समय में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो
आप इजीली बता सकते हैं कि 9 होते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? रग्बी फुटबॉल में, वो भी आपको याद रखना है। ये आपके मैथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है, फटाफट से बता दें, क्या होता है भाई? बिल्कुल, रतौंधी होता है। और विटामिन ए का जो नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, अजंता एवं एलोरा की गुफाएँ कहाँ हैं? तो आप बी ऑप्शन जिसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। एक अच्छा क्वेश्चन, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बताएं, जितनी भी समाचार एजेंसी होती हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूके हो जाएगा, यूके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है? देखिए, हॉकी के जादूगर आपका क्या कहला, कौन कहलाते हैं? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। इन्हीं के याद में 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा गया, पहली बार किसे सम्मानित किया गया था पद्मश्री से? तो बी ऑप्शन याद रखना है, ठीक है, बलबीर सिंह को। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ठीक है, कहाँ पे? लीवर पर। तो क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पे आपका ये आपको अब हाँ याद सही हो जाएगा, फलक्रम, ठीक है ना, फलक्रम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो बताएं, किसे माना जाता है, बताएं। बिल्कुल, जिसका आंसर भाई क्या है, बी ऑप्शन आ रहा है, यानी विक्रम साराभाई। तो बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, विक्रम साराभाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आप इजीली देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन कितने इजी इजी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप डेली देखा करिएगा, ताकि आपका आपको लेवल पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसे क्या है। और जिसमें आपके कम नंबर आए, मैथ और रीजनिंग और फिर साइंस या जीके किसी में, तो उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, सीधी सी बात। चलिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे, जीबी मावलंकर, ठीक है, बिल्कुल। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, बताएं जल्दी से। तो कौन आंसर हो जाएगा, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बताएं, क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से। स्वर्ण पदक जीतने वाली एशियाई खेलों में, तो क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताएं भाई, जल्दी से बताएं भाई सभी लोग, जब तक हम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, कमलजीत सिंधु, ठीक है, कमलजीत सिंधु को आपको याद रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आपके देखिए मैथ के क्वेश्चन हैं, और इतने सिंपल तरीके से बताएंगे आपको कि आप मतलब इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैथ वाले जो आपके वीडियो आएगा इसके बाद। चलिए, ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग केवल और केवल साइंस और ये जीके के डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? अच्छा क्वेश्चन है, गैनीमेड। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, बताएं, किसका आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, बृहस्पति, बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह बुध कहलाता है। जुड़वा ग्रह कौन, किसे कहते हैं, बुध और शुक्र, नहीं, जुड़वा ग्रह बुध और शुक्र को बोले जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी की बहन किसे बोली जाती है, तो आपका शुक्र को बोली जाती है, ठीक है। जिसके तरफ चारों तरफ बलें हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है, तो वो आपको शनि याद रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके मैथ के, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये कथन निष्कर्ष है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया,
4 जनवरी को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो बताएं किसका मनाया जाता है भाई, फटाफट से बताएं। तो क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे म्यांमार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो बताएं कौन सा सबसे पुराना बांध हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल जिसका आंसर भाई, क्या आंसर आ रहा है? डी, ग्रैंड अनिकुट कलनाई। ठीक है ना, ये सबका सबसे क्या है, पुराना बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कभी सुने भी ना होंगे, है ना, तो जीके इसी को बोलते हैं भाई कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दे, कोई नहीं कह सकता। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको इजीली ऐसे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी एन अन्नादुराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको पता है, बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं भाई। तो 1913, ठीक है, 1913 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1911 में उनकी जो गीतांजलि, यानी गीतांजलि जो पुस्तक है उन्होंने लिखी थी, उसी के संबंध में इन्होंने क्या है वो दिया गया था नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन जो पूछा था, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध हो जाएगा। ठीक है, प्लूटो एक बोना ग्रह था जिसे हटा दिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं किसका प्रयोग किया जाता है भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जिसका बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है, BMI। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए पूछा गया है आपका, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो बताएं डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है जल्दी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या है, पॉन्ड, जिसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, क्या हो जाएगा, पॉन्ड, पॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा देश कौन सा है? देखिए आपको पहला पता होगा लेकिन दूसरा भी पता होना चाहिए, तो दूसरा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला रूस और दूसरा कौन है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा। ठीक है ना, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला ये है, दूसरा कौन है, भारत। ठीक है, तो कम से कम ये तीन तीन आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है PSLV से क्या विपर्याय है, यानी उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बताएं क्या आंसर हो जाएगा, पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, वो पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर बताएं कौन सा आंसर हो जाएगा भाई। चलिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, AQI से क्या विपर्याय है, बताएं आपके सामने है सब कुछ, बताएं जल्दी से। तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, AQ से क्या अभिप्रिया है, तो आपको पता चल गया ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सारे आपके इजी क्वेश्चन हैं मैथ के, ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो किसने की थी बताइए जल्दी से। बिल्कुल यहाँ पे आपका फ्रांस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, USA में, किसने भेंट की थी, फ्रांस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये सारे आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसने किसके नाम पर है? अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएं किसके नाम पर है? तो बिल्कुल जिसका भाई, हाँ तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वॉल्ट डिज्नी। ठीक है, याद रखना है सबसे ज़्यादा ऑस्कर जो अवार्ड जीते हैं वो किसने जीते हैं? वॉल्ट डिज्नी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डेनमार्क की राजधानी पूछी है, तो बताएं क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोपेनहेगन। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको किया गया था, ये पूछा है। ठीक है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है। परिवर्तन देखिए इंडेक्स में आप अगर भारत के स्थान पूछें तो 77 है 2019 में। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मॉस्को सही हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? मॉस्को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो बताए थे अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार। कर्तव्य याद कीजिए, किताबों के पीछे लिखे रहते थे जो 10 होते थे, अब 11 हो गए। तो ये क्या है, 7 से 8 कर दिए गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं यार, गलत है इसमें, है ना, 6 हो जाएंगे, वो 10 से 11 किए गए, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन होने चाहिए। चलिए डी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या पूछा गया, अधिकार, मौलिक अधिकार पूछे गए हैं, फिर ये 11 कैसे आंसर दे रहे हैं? चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के फिर कमेंट करना सभी लोग। ठीक है, किसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो क्या आंसर हो जाएगा, लाइका। ठीक है ना, लाइका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे पहले अगर पूछा जाए आपका व्यक्ति कौन गए थे अंतरिक्ष में, तो यूरी गागरिन। भारत की तरफ से कौन गए थे, तो राकेश शर्मा। ठीक है, और महिला कौन गई थी, तो वैलेंटिना तेश्कोवा, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले अंतरिक्ष में किसने भेजा था, तो रूस ने भेजा था, किस देश ने पूछे, तो रूस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बताएं जल्दी से। बिल्कुल सोनार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जिसका भी आंसर सोनार आ रहा है, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दें, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं जल्दी से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, और थोड़ी मोटिवेट हों उससे हम, कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो हम और अच्छे से वीडियो बना सकें आपके लिए मैथ की, और जो आपके स्पेशल क्वेश्चन है मैथ के और जी के साइंस के। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बताइए पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, बताएं क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बताएं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन साल्क। ठीक है, जॉनस साल्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन थे फिनिश्ड हो गए, जो आपके क्या है एनटीपीसी के क्वेश्चन थे, एनटीपीसी के। अब नेक्स्ट देखिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी में ज़्यादा फ़र्क मत सोचिएगा कि एनटीपीसी का है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, अरे भाई रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी और टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ग्रुप डी आपका इजीली निकल जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो कुछ बड़ा सोचिए, तब जाके छोटा आपका होता है, छोटा काम होता है, ऐसा मानना सभी का होता है। ठीक है, तो फटाफट से बताएं वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक तो करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके बाद आपको मैथ की वीडियो मिलेगी, ठीक है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है ना, इन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाएंगे इसके बाद, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, चलिए।
और शेयर करते रहिएगा। जो भी चैनल पर नया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास तरीके से हम आपका साथ देंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।